जो लोग धोखे में हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि उनके अच्छे आमाल उनके गुनाहों से ज्यादा हैं, क्योंकि वो अपने बुरे आमाल पर कोई ध्यान नहीं देते और अपने गुनाहों की तरफ नहीं देखते। लेकिन अगर कोई अच्छा अमल करते हैं तो उसे याद रखते हैं और उसी पर भरोसा जमा लेते हैं। ये ऐसे हैं जैसे एक आदमी अल्लाह से सिर्फ जबान से माफ़ी मांगता है और अल्लाह की पाकी बयान करता है सुभान अल्लाह कहकर 100 बार एक दिन में। फिर वो अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है और उनकी इज्जत पर बोहतान लगाता है और पूरे दिन अल्लाह को नाराज़ करने वाली बातें करता है। ये आदमी सिर्फ अपने सुभान अल्लाह कहने को, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को याद रखता है, लेकिन जो गुनाह लिखे जा चुके हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता। उसका गिबत करना, उसका झूठ बोलना और बोहतान लगाना और उसकी ज़ुबान के गुनाह, यही लोग हैं जो पूरे धोखे में जी रहे हैं।